नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर संजय निषाद। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी के जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। उन्होंने साफ तौर पर अखिलेश यादव का समर्थन करते हुए कहा है कि प्रदेश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। साथ ही साथ कई बार वो समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधना नहीं चूके। अब देखना ये होगा कि संजय निषाद की आगे की रणनीति क्या रहती है। आइए आपको दिखाते हैं। बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत, संजय निषाद ने अखिलेश यादव का सबसे बड़े मुद्दे पर किया समर्थन। समझे सियासी मायने। आपको बता दें, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जातीय जनगणना का समर्थन कर बीजेपी की मुसीबत बढ़ा दी। उनका कहना है कि इससे सभी जातियों की सही संख्या सामने आ जाएगी। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी अब जातिगत जनगणना के मुद्दे को धार देने में लगी है। पार्टी गांव-गांव जाकर इस मुद्दे पर आंदोलन की तैयारी कर रही है। इसके जरिए सपा ने बीजेपी के खिलाफ 80-20 का कार्ड खेल दिया, जिसमें बीजेपी फंसती हुई नजर आ रही है। वहीं अब अखिलेश यादव के इस मुद्दे पर बीजेपी को एक और झटका लगा है। बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी ने अखिलेश यादव के इस सबसे बड़े मुद्दे को अपना समर्थन दिया है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। जहां जातीय जनगणना के मुद्दे पर बीजेपी शांत है, ऐसे में योगी सरकार ने कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इसका समर्थन कर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी। संजय निषाद ने कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, इससे सभी जातियों की सही जनसंख्या सामने आ जाएगी। संजय निषाद से जब रामचरित मानस पर मचे बवाल को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने इशारे इशारों में स्वामी प्रसाद मौर्य को अधर्मी तक कह दिया और कहा कि इस तरह से दो चार नेता सपा को और मिल जाए तो पार्टी डूब जाएगी। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इस दौरान सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर पर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि वो सुबह चाय कहीं और पीते हैं, दोपहर में कहीं और, शाम को कहीं और होते हैं। उनका कोई भरोसा नहीं है कि कल वो कहाँ रहेंगे। बीजेपी के मिशन 80 को झटका लगता दिख रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव के इस मुद्दे पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी अपनी सहमति जता चुके हैं। केशव मौर्य ने पिछड़ी राजनीति को बढ़ावा देते हुए जाति आधारित जनगणना की विपक्ष की मांग का समर्थन किया। मौर्य ने कहा कि मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ, ना तो मैं और ना ही मेरी पार्टी इस विषय पर विपक्ष में है। राजनीतिक जानकारों की माने तो सपा ने इस मुद्दे के साथ लोकसभा चुनाव की लड़ाई को 80-20 बना दिया है, जिसमें 80% दलित और ओबीसी वर्ग है, जबकि 20% स्वर्ण है। सपा इस मुद्दे पर खुलकर खेल रही है ताकि पार्टी के साथ ओबीसी और दलित वोटर जोड़ सके। वहीं पार्टी ने गांव-गांव जाकर आंदोलन छेड़ने की रणनीति तैयार की है, जिससे बीजेपी के मिशन 80 को झटका लगता दिख रहा है।